हम सबक नंबर 11 जो हमारे हिस्सा नसर का आखिरी सबक है तदरे अयास, उसके मुसनिफ़ कर्नल मोहम्मद खान का तारुफ पढ़ेंगे। उनकी वलादत 1920 में हुई और 1999 में उनका इंतकाल हो गया। उर्दू के मुमताज़ नुमायाँ मिज़ा निगार कर्नल मोहम्मद खान चकवाल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने ही गाँव में हासिल की, वहीं से अपने इलाके से, और फिर वो लाहौर आ गए। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। चुनांचे 1940 में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। क्या मैं पाकिस्तान के बाद दिफाई पाकिस्तान में हिस्सा लिया। दिफाई पाकिस्तान 1965 की हमारी जो जंग दिफाई पाकिस्तान के हवाले से यादगार है। 1965 में रनकच के महाज पर नुमाया कारनामे अंजाम दिए। कर्नल के अहदे पर पहुँच कर मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। मुलाजमत को खैरबाद कहा और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी मरते दम तक जो है वो रावलपिंडी में रहे। कर्नल मोहम्मद खान का तर्ज तहरीर सादा और दिलचस्प है। उनका अंदाज तहरीर जो है वो इंतहाई सादा और मज़े और दिलचस्पी से भरपूर है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खलूस है। वो बीते हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती। दिल में घर करना, दिल में बस जाना, दिल को भा जाना, पसंद आना वो चीज़। मज़ाक के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नो और बनावट के रवैयों पर तंज करते भी नज़र आते हैं। उन्होंने कई मौजूआत पर बड़े ग्रां कद्र बहुत कीमती, अनमोल और अहमियत के हामिल मज़ाया मज़ामीन लिखे। इनके यहाँ मज़ा निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में हक्कड़पन, जो गाली गलोच वगैरह, फोहश गोई जिसको हम कहेंगे गलत फजूल बोलना, गाली गलोच किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल करना, या सूकियानापन, ये भी बाजारी ज़ुबान होती है जो आवाम की, आम लोगों की पसंद होती है, घटिया सतही से जुमले और अल्फाज से मज़ा पैदा करना, इसीलिए उनकी तहरीरों में फक्कड़पन या सूकियानापन का गुमान तक नहीं होता। सादगी, मानी आफरीनी मानी से भरे हुए बावकार तंज़ो मज़ा इनकी तहरीरों की नुमायाँ खूबियाँ हैं और इनकी तसानीफ़ में बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ शामिल हैं। अब जैसे कि बेटा आप लोगों को हमेशा बताया जाता है, आपने मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से 10 से 20 जितने आपके जो हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात बने, आपने उसको खुशखत कॉपीज़ पर लिखना है। अस्सलामुअलैकुम।